शांति मुरली शब्दकोश में आज सुनते हैं कुछ वर्ड्स टू रिहान अर्थात आत्मा की आत्मा से या आत्मा की परमात्मा से बातचीत जिसे कन्वर्सेशन कहेंगे। शिव बाबा के साथ परमात्मा के साथ आत्मा समझ के बात करना जिसे मुरली में बाबा कहते हैं रूह रिहान। मास्टर ज्ञान सूर्य माना ज्ञान सूर्य शिव बाबा का शिष्य यूं कहो बेटा या उनका स्वरूप। निराकार सुसाकार साकार में कर्म करते हुए अपने निराकार स्टेज की स्मृति अर्थात उसकी याद में रहना। भूतामेल मीन्स हिसाब किताब रोज निशी। शिव बाबा को प्रतिदिन का भूतामेल दे दिया तो धर्मपुरी में नहीं आना पड़ेगा। स्वदर्शन चक्रधारी स्वयं को आत्मा समझते हुए सृष्टि चक्र और 84 जन्मों को स्मृति अर्थात याद में 84 जन्मों की स्मृति में रहना या याद में रहना। सत्वगुण माना अच्छे गुणधारी विशेष रूप से सत्युग फिर 14 कला संपन्न त्रेतायुग तक की ये स्थिति। रजोगुण माना राजसिक या उपरोक्त दो युगों से कम गुण विशेषकर द्वापर से जहां ईर्ष्या द्वेष रूपी रज या धूल प्रारंभ होती है तो सत्युग में सत्वगुण ही रहेंगे ना आत्मा। त्रेतायुग में भी सत्वगुण रहेगा पर कलाएं कम हो जाएगी। सत्युग में 16 कला त्रेतायुग में 14 द्वापर युग से फिर रजोगुण राजसिक गुण ईर्ष्या द्वेष आदि शुरू हो जाता है। कलयुग में तमोगुण गुणों में सबसे निम्न स्तर जो यूं कहो कि 4 कला संपन्न जो कला एकदम कम होते जाती है कलयुग से। भारत में अरबों के आक्रमण से शुरू हुआ है ये तमोगुण स्थिति का वातावरण। उत्तरती कला उत्तरोत्तर या सत्युग से धीरे धीरे 16 कलाओं में ह्रास या कमी आना। शो करना या बाजी मारना शोबाजी जिसे कहेंगे ये है दिखावा या नाम मान शान के पीछे चलना। प्रसिद्धि के लिए प्रयासरत होना। मूंछना समझ में न आना कंफ्यूज्ड होना। राजाई मन बादशाही विशेषकर सत्युग व त्रेतायुग में राज्य प्राप्त करने के संदर्भ में 16 कला संपन्न ये मानव स्वभाव व्यवहार की सर्वश्रेष्ठ कला है जिसे कहेंगे सत्युग में हम 100% सर्वगुण संपन्न है। डबल ताजधारी कहते हैं स्थूल ताज भी होता है राजा का और पवित्रता का प्योरिटी का और भी होता है वो ताज भी होता है। निर्विकारी मन विकार या बुराइयों रहित रजो तमो से संबंधित है ये रजो और तमो गुण न रहित हो निर्विकारी। डबल ताजधारी मीन्स संगम योगी ब्राह्मण का और सत्युगी देवता दोनों के आभा मंडल की लाइट का ताज धारण करना। डबल अहिंसक अब ये निर्विकारी में ही आया डबल ताजधारी भी डबल अहिंसक भी। प्रथम हिंसा तो काम विकार की है और मन वचन कर्म की हिंसा से मुक्त होना दोनों हिंसा से मुक्त होना। सुख वंशावली माना गर्भ से जन्म जो लौकिक जन्म होता है। मुख वंशावली माना अलौकिक जन्म जो ब्रह्मा मुख से हमारा जन्म हुआ है कहते हैं ना ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणिया है। इन मुरली शब्दकोश को पुनः कंटिन्यू करेंगे रात्रि क्लास 9:45 बजे सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30 मुरली क्लास प्रातः 5:45 बजे। ओम शांति।